हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए क्या किया जाए। अगर आपकी हड्डियों से आवाज़ आती है या फिर आपकी हड्डियों में लुब्रिकेंट की कमी है, यानी कि जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें लुब्रिकेंट होता है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में हम ग्रीस कहते हैं। इसके अलावा हड्डियों में लचक पड़ना, चलते हुए बैठते हुए ऐसे महसूस होना कि घुटनों में लचक पड़ रही है, इसके अलावा हड्डियों में गैप पड़ जाना, अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो तुरंत आप ये चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। आज मैं इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, जब वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो उनकी हड्डियों से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तो इन्हें मेडिकल भाषा में क्रेपिटस कहा जाता है। ये होता यूँ है कि हमारे जोड़ों में एक लुब्रिकेंट नाम का लिक्विड होता है। जब ये लिक्विड के अंदर हवा भर जाती है और ये हवा बबल्स के रूप में हो जाती है, तो जब हम चलते हैं, बैठते हैं तो ये बबल बस्ट होते हैं, यानी कि फूटते हैं, तो ये आवाज़ आती है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये आगे चलकर हवा जॉइंट पेन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अर्थराइटिस का, जोड़ों का दर्द का रूप ले लेती है। इसीलिए हमारे जोड़ों में लुब्रिकेंट होना चाहिए, यानी वो ग्रीस होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जिनकी हड्डियों से आवाज़ आती है या फिर लुब्रिकेंट की कमी है या घुटनों में या कहीं भी लचक पड़ती है, हड्डियों में कहीं भी गैप है, तो वो दूर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि हमारी हड्डियों में से हवा को ख़त्म करती हैं। आप कम से कम एक महीना इस मेथी दाने का यूज़ ज़रूर करें। रात को एक चम्मच पानी में भिगो दीजिए और सुबह आप इसे खा लीजिए और पानी को हल्का सा गुनगुना करके पी लीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसका सेवन नहीं करें। जिनकी हड्डियों में कमजोरी है उनको कैल्शियम फूड लेना चाहिए और कैल्शियम फूड में हल्दी वाला दूध बेस्ट है। हल्दी वाला दूध रात को रोज पीने से बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर होती है। इसके अलावा जब आप आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो 50 ग्राम आटे में 25 ग्राम अलसी का पाउडर डाल के आप इस आटे की रोटी अगर खाते हैं तो बॉडी में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रोजाना ऐसा ही आटा यानी ऐसी ही रोटी खानी है, आप वीक में 2 से 3 बार ही खाना काफ़ी होगा। तीसरी चीज़ है गुड़ और भुने हुए चने। इसमें बहुत सारा आयरन और कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, हड्डियों में लुब्रिकेंट की कमी नहीं होने देता। जिनकी हड्डियों में बहुत लचक पड़ती है चलते टाइम, बैठते टाइम, वो भी दूर हो जाती है। ये ऐसी चीज़ें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई जो उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं या फिर चलते उठते बैठते टाइम आवाज़ करती हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज़ बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।